अष्टांग हृदय में हमारा थर्ड चैप्टर है अभी बाल ग्रह प्रतिषेध। ठीक है, बाल ग्रह जो है इसमें देखना, दो नंबर श्लोक में पहले इन्होंने क्या बताया। फर्स्ट नंबर श्लोक की हिंदी में अगर आप देखेंगे तो पुरुष शरीर वाले 5 और स्त्री शरीर वाले 7 ग्रह बनाए हैं, ऐसे करके बोला हुआ है। तो कौन कौन से हैं वो दो नंबर श्लोक में एक्सप्लेन किया। तो देखना, स्कंधो विशाखो मेषाख्यम स्वग्रह पितृ संगीतम हाईलाइट किया आपने। ये पुरुष वाचक हैं 5 जो बताए गए हैं, कौन से, स्कंद विशाख मेष स्वग्रह और पितृ संज्ञक। फिर नेक्स्ट शकुनी पूतना शीत पूतना अदृष्ट पूतना को आपने हाईलाइट किया। अदृष्ट पूतना मुखमंडिका, फिर उसके बाद तद रेवती और शुष्क रेवती, ये 7 जो होते हैं स्त्री शरीर वाले। तो टोटल जो भागवत उनके अकॉर्डिंग जो बाल ग्रह हैं वो होते हैं 12, या ग्रह की संख्या है 12, जिनमें से 5 जो होते हैं वो पुरुष शरीर वाले और 7 स्त्री शरीर वाले होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 9 बोले हैं, जो बाल ग्रह हैं वो 9। फिर सामान्य लक्षण यहाँ पे 3 नंबर श्लोक में बोले, ग्रह से अगर कोई बच्चा पीड़ित है तो उसके सामान्य लक्षण क्या आएंगे। तेषां ग्रहितस्य रूपं प्रततः रोदनं ज्वरः, कंटिन्यूसली बच्चा रोता रहता है, ज्वर होता है उसको। और 5 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, नखेर अकस्मात परितम स्वधात्रे अंगुली विलेखन, मीन्स बिना किसी कारण के सब और नाखूनों को, अपने आप को भी और जो धात्री है उसको भी मारता है नाखूनों से। अब जैसे स्क्रैचिंग ऐसे करता है बच्चा बिना किसी कारण के, ऐसा बोला। तो ग्रह की ये नॉर्मल लक्षण यानी सामान्य लक्षण बोले। फिर स्कंद ग्रह से जुष्ट में देखना, 6 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, हत एक पक्ष स्तब्धंग, हत एक पक्ष जो एक साइड है, एक पक्ष है बॉडी का, वो निश्चेष्ट हो जाता है, और स्तब्ध अंग, अंग भी स्तब्ध हो जाएंगे बिल्कुल। फिर 8 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, वसा अश्रिग गंधी, जो बच्चा है उसमें से गंध कैसी, वसा और रक्त की जैसे गंध आती है। तो गंध सबकी याद हो और उनमें कोई एक या दो इंपॉर्टेंट लक्षण आएगा वो हम हाईलाइट करेंगे। तो स्कंद ग्रह में हमने हाईलाइट किया हत एक पक्ष स्तब्ध अंग, इसकी गंध कैसी होती है, वसा अश्रिग गंधी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्कंद अपस्मार या विशाख भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें 10 नंबर श्लोक के लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, हस्त भ्रू पादान पाद नतरतनम, हाथ हैं, भ्रू हैं, पैर हैं, इनको बच्चा क्या करता है, नोचते हैं जैसे, ऐसा करता है। फिर 11 नंबर श्लोक के फर्स्ट सेकंड लाइन में देखना, पूय शोणित गंधी को हाईलाइट किया, गंध कैसी, पूय और शोणित, वसा और अश्रिक गंधी है स्कंद ग्रह में, स्कंद अपस्मार में पूय शोणित गंधी। और यहाँ पे बोला हस्त भ्रू पाद नर्तनम। ठीक है, नेक्स्ट इज नैगमेश ग्रह से अगर जुष्ट है तो क्या होगा। 13 नंबर श्लोक में आप देखना, कूजनम स्तननम छर्दी को आपने हाईलाइट किया, बच्चा क्या करता है, वॉमिटिंग करता है, छर्दी कर रहा है। कास हिद्मा प्रजागरम ओष्ठ दंश अंग संकोच स्तब्ध बस्त बस्ताभम गंधता को आपने हाईलाइट किया, बकरे के समान गंध आती है ऐसा। नैगमेश में क्या, बकरे के समान गंध आएगी, पेशेंट को छर्दी हो रही है। फिर ऊर्ध्वम निरीक्षस्य हसनम, यानी ऊपर की ओर देखकर बच्चा हंसतेगा। मध्य विनम्नम ज्वर, बीच बीच में से झुक भी जाता है बच्चा, ज्वर आता है उसको। मूर्छे एक नेत्र शोफ, मूर्छा आएगी और एक नेत्र में शोफ होता है उसको। तो नैगमेश में दो तीन इंपॉर्टेंट ये लक्षण है, जैसे बस्ताबम गंधता, फिर ऊपर की ओर देख के हंसता है, और एक आंख में शोफ होगा, ये नैगमेश में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा स्वग्रह, इसमें 15 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, बहिरायामन बहिर आयाम होगा, फिर जीवा दशो अन्यतः कंठ कूजनम को आपने हाईलाइट किया, कंठ कूजन होगा, मतलब जैसे कुछ बोलता नहीं है बच्चा लेकिन कंठ में से उसके आवाज से आती रहती है, तो कंठ कूजन को हाईलाइट किया, बहिर आयाम। फिर नेक्स्ट लाइन में धावनम
विट स गंधत्वम क्रोशनम च श्व शूनी को हाईलाइट किया। विट स गंधित्व, विट के समान गंध आती है, मल से जो गंध आती है वैसी। क्रोशनम च श्ववत शूनी, जो डॉग होता है यानी श्व यानी कुत्ते के समान जो बच्चा क्रोशन करता है मतलब चिल्लाता है तो उसको श्व ग्रह बोला गया। इंपॉर्टेंट लक्षण है ये, क्रोशनम च श्ववत शूनी। और विट स गंधित्वम बहिर आयाम कंठ कूजनो। नेक्स्ट इज पितृग्रह। पितृग्रह में हमें गंध याद होनी चाहिए। 17 नंबर श्लोक में देखना, का सती सार वमतुज रिम्बा त्रिट, शव गंधिता को आपने हाईलाइट किया। शव के समान गंध आती है पितृग्रह में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शकुनी ग्रह से अगर जुष्ट हो, 18 नंबर श्लोक में देखना। 18 नंबर श्लोक, इसमें बोला श्रस्तंग अति सारो जीवा तालु गले व्रणे, इंडरलाइन किया आपने। जीवा या तालु प्रदेश पे या गले पे व्रण बन जाते हैं। फिर स्फोटा स दहा रुक पाका संधिशु शिव पुनः पुनः को आपने हाईलाइट किया। संधिशु शिव पुनः पुनः, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर श्लोक के नीचे, भयम शकुनी गंधित्वम को आपने हाईलाइट किया। शकुनी मीन्स जो पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं, तो पक्षी के समान गंध आएगी शकुनी में से, तो इसमें तो डायरेक्ट लिखा ही है शकुनी के समान गंध आना। फिर उसके बाद है हमारा पूतना ग्रह से अगर जुष्ट हो तो क्या होगा। 21 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, काकवत पूति गंधिता, पूतना में काक क्वत पूती गंधिता गंध आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज शीत पूतना। शीत पूतना से ग्रसित हो तो क्या होगा। 22 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में, वसावद विश्र गंधिता को आपने हाईलाइट किया। वसा के जैसी विश्र गंध आती है। फिर पार्श्व एकस्य शीतत्वम उष्णम तु अपरस्य हाईलाइट किया। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक पार्श्व बच्चे का शीत होगा, दूसरा पार्श्व गर्म आपको प्रतीत होगा, तो वो शीत पूतना में आएगा, ठीक है। हाईलाइट किया आपने पार्श्वस्य एकस्य शीतत्वम उष्णम तु अपरस्य च। नेक्स्ट इज अंधपूतना ग्रस्त। तो 25 नंबर श्लोक में देखना सेकंड लाइन में, 25 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में, वेपतु मत्स्य गंधत्वम को आपने हाईलाइट किया। मत्स्य के समान गंध आएगी अथवा सा अम्ल गंधिता या फिर अम्ल गंध आती है बच्चे में से, मत्स्य जैसी या फिर अम्ल गंध को हाईलाइट किया अंधपूतना में। नेक्स्ट है हमारा मुखमंडिता। 26 में, मुखमंडिता या पाणिपादस्य रमणीयता, मतलब बच्चे के हाथ पैर मुख ये सब सुंदर लगते हैं। और गंध कैसी आएगी नेक्स्ट लाइन में देखना, अरोचको अंग ग्लपनम गोमूत्र स गंधिता को आपने हाईलाइट किया। मुखमंडिका में क्या गोमूत्र के समान गंध आती है। मुखमंडिता के बाद फिर आता है रेवती ग्रह से पीड़ित हो अगर तो क्या होगा। 27 नंबर श्लोक में लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, कर्ण नासा अक्षी मर्दनम, बच्चा जो होगा कर्ण को अपनी नासिका को या आंख का मर्दन करता है मतलब उनको मसलता रहता है। 28 नंबर श्लोक में, का सिद्मा अक्षी विक्षेप वक्र वक्तृत्वम रक्तता को आपने हाईलाइट किया। बच्चे की जो अक्षी है वो क्या हो जाएगी विक्षेप, उनको इधर उधर ऐसे देखेगा और वक्र वक्रत मतलब मुख टेढ़ा हो जाएगा और क्या होगा रक्तत यानी मुख का वर्ण लाल वर्ण का। बस्त गंध को आपने हाईलाइट किया। रेवती ग्रह में गंध कैसी बस्त गंधत्व। नेक्स्ट है हमारा शुष्क रेवती, यहाँ पे लिखा हुआ है जायते शुष्क रेवत्या क्रमात सर्वांग संशयम को आपने हाईलाइट किया। रेवती में क्या होगा सभी अंग क्रम से क्षय होते रहते हैं, शोष होता रहेगा सभी अंगों का, तो ये हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट लक्षण है। फिर यहाँ पे बोला असाध्य लक्षण, 29 नंबर श्लोक में असाध्य लक्षण 29 और 30 में, 30 में देखना रोदनम, अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। और गृद्ध गंधत्वम को आपने हाईलाइट किया, गृद्ध के समान गंध आ रही है अगर उसमें से और दीर्घ काल रोग बहुत टाइम तक है, उदरे ग्रंथि उदर पे ग्रंथियां हो गई हैं, नाना प्रकार का शक्रत उसको आ रहा है मल आ रहा है, जीवा निम्न हो गई है और तालु शाव हो गया है, तो ये साध्य लक्षण है। तो ये जो है गृद्ध गंधत्वम या फिर
ये सारे लक्षण आप शुष्क रेवती में भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्रमात सर्व क्षयम, सभी अंगों का क्षय होगा, ठीक है, और वृद्ध गंधित्व में शुष्क रेवती में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, देखिए 59 नंबर श्लोक। यहाँ पे स्नानार्थ जो जल है वो बताए गए हैं। स्नानार्थ जल, इसको स्नपन विधान भी बोलते हैं, लिख लीजिए स्नपन विधान। तो पूती करंज है जो त्वक पत्रम क्षीरेभ्य, जो क्षीरी वृक्ष है उनके पत्ते होंगे, या जो बर्बर आदि वृक्ष हैं उनका क्या लेना है, आपने क्वाथ कर लेना है उस क्वाथ को। उक्त क्वाथतम तोयम तत्र रात्रो बालानाम स्नपनम शिवम, और रात्रि को बालक को क्या स्नान कराना उत्तम होता है। तो स्नपन विधान या स्नानार्थ जल कैसा होना चाहिए बच्चों का वो बताया है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैप्टर, चतुर्थ तो अध्याय, भूत विज्ञानी अध्याय। इसमें आप देखना 3 नंबर श्लोक के ऊपर एक लाइन लिखी है, उसकी हमारी हेडिंग है भूतों के 18 भेद, ऐसे करके लिखा ना, इसको हाईलाइट करना आप, भूतों के 18 भेद यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए। आचार्य सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने ग्रह 8 बोले, ग्रह 8 और असंख्य, मतलब आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने जब ग्रहों का वर्णन किया था, मतलब कौन से ग्रह, जैसे देव आदि से भूत ग्रह की बात की गई है, तो उन्होंने 8 बोले, फिर बोला मतलब असंख्य होते हैं जिनमें से ये 8 इंपॉर्टेंट हैं, जो सभी प्रकार के हैं वो इनमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो 8 वो बोले। बाल ग्रह पूछा जाए सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो 9 है, वो आपको पता है। यहाँ पे भूतों के 18 भेद बताए हैं वाग्भट ने। फिर नेक्स्ट आप देखना 21 नंबर श्लोक में, 21 नंबर श्लोक में देखिए क्या लिखा है। यक्ष ग्रह से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें क्या लक्षण आएंगे, 21 नंबर श्लोक। विप्लुस तरस्त रक्त अक्षय को आपने हाईलाइट किया, उसकी जो अक्ष है आंख क्या होगी, रक्त अक्षय। सुश्रुत ने ताम्रक्ष बोला था, लिख लीजिए यहीं पे, सुश्रुत ने यक्ष ग्रह में ताम्रक्ष, और ये क्या बोलता है, रक्त वर्ण की हो जाएगी। और 23 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में अंडरलाइन करना, रहस्य भाषिणम, रहस्य भाषिणम, जो रहस्य है किसी के वो भी बोलने लगता है वो पेशेंट। तो यक्ष ग्रह में रहस्य भाषिणम और आंखें कैसी, रक्त अक्षम को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है पंचमो अध्याय। इसमें ये इनके लक्षण इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चरक और सुश्रुत में हम पढ़ते हैं। फिर है पंचमो अध्याय, भूत प्रतिषेध। अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है आपने, आप देखना 18 नंबर श्लोक की हेडिंग, 18 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना। कार्पास बीजादि धूम लिखा है ना, कार्पास बीजादि धूम, ओब्लिक करके लिख लीजिए, कार्पास अस्थि आदि धूम भी बोलते हैं इसको, कपास अस्थि आदि धूम, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, कपास अस्थि, तो कपास बीज आदि धूम या फिर कपास अस्थि आदि धूम, कुछ भी बोलो। उसके बाद हमारा है 19 नंबर श्लोक की हेडिंग, भूतारिव घृत को हाईलाइट किया आपने, भूतराव घृत। नेक्स्ट हेडिंग को हाईलाइट करना, महाभूतराव घृत। तो ये क्या है, भूत प्रतिषेध, भूत आदि से आवेशित अगर कोई है व्यक्ति तो उसमें आप ट्रीटमेंट क्या, कार्पास अस्थि आदि धूम देते हो, भूतराव घृत या महाभूतराव घृत, ये नाम याद रखने हैं बस आपने। नेक्स्ट आता है 51 नंबर श्लोक, 51 नंबर श्लोक उसमें हाईलाइट करना, महाविद्या च मायूरी सूचिम तम श्रवणेन सदा। ग्रह से अगर पीड़ित है मनुष्य तो उसको क्या करना चाहिए, शुचि मतलब पवित्र होकर मायूरी महाविद्या को सुनना चाहिए। हाईलाइट किया आपने मायूरी महाविद्या को, आप यहीं पे स्टार लगा के पेज के टॉप पर लिखना, मायूरी विद्या के ज्ञाता, मायूरी विद्या के ज्ञाता नागार्जुन,
मयूरी विद्या के ज्ञाता है नागार्जुन, और मयूरी विद्या को सुनने के लिए क्या किस में बोला है, जो ग्रह से पीड़ित है उनमें, ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।